9 बजे तक की 10 बजे तक की बसें हैं, पता तो है? क्या हो गया, कोई बात नहीं, क्या करेंगे इतनी जल्दी जाके। मैं लगा हुआ है, हाँ कितनी जल्दी बेकार जा रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ जाएंगे 8-8:30 बजे वाली बस, सही बात है, पहुँच जाएंगे 3-4 बजे में, क्या करेंगे 3 बजे वहाँ पहुँच के, 3 बजे अब चेंज क्या करोगे, अब तो तुमने पहन लिए हैं। अभी तो किसने जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे, कार में पापा चले। अरे यार वहाँ अंदर ले जाने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। अंदर किसने बोला ले जाने के लिए, उसमें जा रहे हो? नहीं नहीं स्कूटी में मजा आता है, चलो ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, पाओ तो चले पापा के, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, नहीं 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 बाय, अरे यार पापा पता नहीं पाओ खाना है, बाय, नहीं नहीं ले आइयो, ले आइयो, बाय, मैगी ले आइयो, मैगी आराम से आना, तू आते हुए इधर करे, मैगी मंगा लेते क्यों, आपको खाते पापा चले गए, अब हम मैस करेंगे, कैश करेगा तो मुझे बता दे पहले, चलो 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 चलो, अब टाइम हो गया है 7:45 हो रहे हैं अभी तो यार, हाँ 7:45 हो रहे हैं अभी, और अभी थोड़ी सी बनाई है मैंने रोटियां, अब बनाएंगे रोटियां बाकी, तो जोश जी को जाना था, मीटिंग है उनकी दिल्ली में, तो ऑफिस की मीटिंग है तो मीटिंग में गए हैं, तो अब 2 दिन की मीटिंग है, 2 दिन के लिए चले गए हैं वो दिल्ली, तो चलो आज बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, इतना ठंडा हो रहा है ना कि पूछो मत, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत हालत ख़राब हो रही है, पता है बर्फ़ पड़ गई ना, हाँ बर्फ़ गिरी होगी ना यहाँ कहीं सब, अरे नैनीताल में गिरी होगी, वही तो बहुत ज़्यादा, तो सब्जी वब्जी तो सब बन चुकी है, अभी थोड़ी देर में बनाओ रोटियाँ दादी के लिए, तो बनाती हूँ, और ये देखो सारा काम पड़ा, और हमारे डॉनू का खाना भीग रखा है, अभी देते हैं इसको खाना, और रोटियाँ थोड़ी ही बनाई थी, अभी बाकी तब बनाते हैं। तो मैं भी खा लेती हूँ खाना, और मतलब बहुत ठंडा हो रहा भा, बहुत ज़्यादा, कपड़े चेंज करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, तो गरम गरम रोटी बना रही है पलक, तो मैंने कहा मैं रोटी खा लेती हूँ पहले, तब चेंज फिर करती हूँ, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, और जोशी चले गए थे, उसके बाद हमने खा पी के हम भी फिर सो गए थे, बस ये अगले दिन सुबह की वीडियो है, तो अगले दिन सुबह मैं सो के उठी हूँ, और ये सो के उठ के मैं अपने बेड के पास में अपनी स्वेटर वगैरह सब रखती हूँ, तो बस वहीं पे रखी हुई थी सब पहन के, और मैं सीधे बाहर आती हूँ, सब स्वेटर वटर पहन के ही आती हूँ, क्योंकि ठंडा बहुत हो जाता है, और ये मचल रहा है ज़्यादा ही कि मेरे को भी अब खाने को मिलेगा, तो इसको आकाश पहले ही घुमा के ले आता है, 5 या 6 बजे इसको घुमा के ले आता है वो, तो ये घूम के फिर यहीं पर बैठा हुआ था हमारे पास, कि जब तक ये उठेगी तो फिर मुझे खाना देगी, मैं बस मैं उठी मेरे पीछे पीछे भागने लग जाता है फिर, बस सीट ये दरवाज़ा हमारा बंद ही रहता है, क्योंकि काफ़ी अभी ठंडा ही हो रहा है, काफ़ी मतलब ठंडी हवाएं चल रही हैं ज़्यादा, अब वैसा ठंडा तो नहीं हो रहा लेकिन हवा ठंडी चल रही है बहुत ज़्यादा, और बस एक किचन है यहाँ पे अंधेरा हो तो किचन की लाइट खोल दी है मैंने, और ये इधर का दरवाज़ा खुला है, क्योंकि आकाश से लेके गया बाहर गया हुआ, तो मैं बोल दी कि बाहर के दरवाजे खोल दिया करो, तो उसने लोहे का दरवाज़ा खोल दिया हुआ है, जाली का बंद रहता है, तो मैंने कहा दरवाज़ा खुल जाते हैं तो सही रहता है थोड़ा सुबह जल्दी, तो बस ये भी मुँह धोने आ जाता है जैसे मैं आती हूँ यहाँ पे, तो इसको भी मुँह धोना होता है, क्योंकि इसको भी आदत पड़ चुकी है ऐसी कि जब भी मुँह धोने आते हैं तो मुँह धुला देते हैं मतलब हम लोग, तो आ जाता है हमारे पास में ये, और ये खून मचल जाता है सुबह कि अब बस अब मुझे दूध मिलेगा पीने का, तो दूध देती हूँ मैं इसको, और एक आध रोटी होती है, एक ब्रेड होता है तो वो दे देती हूँ इसको, तो बस इसका मुँह धुला के फिर अपना किचन में आती हूँ, तो किचन में सारे रात के बर्तन धुले हुए रखे हुए हैं अभी, तो सब पानी वानी निकल जाता है बर्तनों में, तो सुबह लगा देती हूँ फिर इनको मैं, और रात को ये सारे किचन के कपड़े मतलब जो ये पोंछना पाँचने वाले कपड़े होते हैं सब मतलब धो धा के मैं यहीं पर सुखा देती हूँ, और अच्छे से सूख जाते हैं ये कपड़े, तो जो मोटा कपड़ा था ये तो सूखा नहीं था लेकिन पतला वाला वो सूख गया था, तो बस ये अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ, पानी पीऊँगी 1 गिलास और दवाई खाऊँगी अपने खाली पेट, बस के बाद सास के लिए चाय बनाती हूँ, और ये बर्तन लगा दूँगी फिर थोड़ी देर में, अभी पहले पानी निकाल लेती हूँ और उनके लिए चाय भी बना दूँगी,
मुझे मैं गुस्सा हूं, मैं मुंह फुला लिया मैंने, कोई बात नहीं करनी इससे, भाग जा, भाग भाग, नहीं करना गुस्सा। मैं बना लिया है नाश्ता। ये है डॉन की रोटियाँ, डॉन के लिए बन रही हैं, और ये हमारे लिए बन चुके हैं पराठे। तो आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, ऐसे बनाए हैं। और मैं बना रही हूँ नाश्ता, सारा फैल, पूरा किचन अभी फैल रखा है, सारा किचन ऐसे फैल रखा है अभी। तो बस सबके लिए बना लेती हूँ, डॉन के लिए भी बना रही हूँ, हमें डॉन के लिए ज़्यादा ना बनानी पड़ती है ना रोटियाँ, तो दिन के लिए भी बनानी है और अभी के लिए बनानी है, तो सब दिन के लिए बनानी, इसलिए ये मोटी मोटी रोटियाँ। और हमारे लिए बच्चों के पराठे, बच्चों के लिए, सबके लिए। और पलक कर ये झाड़ू पोछा,
बस उसके बाद करेंगे हम नाश्ता बना के रख देती हूँ, मैंने कहा किचन भी साफ हो जाएगा थोड़ा, इसलिए कैरम बोर्ड खेलते हैं। कैरम बोर्ड खेलते हैं आज, नेट नहीं आ रहा है। और ये दोनों ताश खेलते हुए और ये दोनों ताश खेल रहे हैं, सबका अपना अपना हो रहा है। देखो कल पेपर है हमारा साइंस का, ताई जी बच्चे थोड़ी दिखाते हैं। ये दो यहाँ लगे पड़े हैं, वो दो बाहर है। और मैं अपना काम कर रही हूँ, तो मैंने ये पालक रख दिया है तो कम आँच कर रखी, मैंने कहा कहीं पानी ना गिर जाए क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा हो गया है, पानी ज़्यादा हो गया इसमें। तो ये पालक रिन रही हूँ, ये अपने खाने के लिए रखे हैं क्योंकि ये बहुत ठंडे हो रहे हैं। और ये गाजर हैं, तो ये गाजर का हलवा बनाएंगे, तो अच्छी अच्छी गाजर है, लाल लाल गाजर एकदम से। तो अभी इसको कद्दूकस करूँगी, पहले मैं मटर छिल रही हूँ बाहर। और सुबह का नाश्ता हो चुका है और यहाँ का हल्द्वानी का मौसम थोड़ा सा सही हो रहा है, आज धूप आ गई है अच्छी, तो मैंने गेहूँ वगैरह धोए हैं छत में, सुबह से गेहूँ धोए, थोड़ा काम वाम करा है। और कल रात से हम लोगों का नेट नहीं है, तो कल से मेरी कोई वीडियो नहीं डली है, तो कल रात से यहाँ पे थोड़ा सा हंगामा हो गया मार्केट की तरफ में, तो उसकी वजह से मतलब हमारा नेट भी नहीं आ रहा है, कल रात से तो नेट भी नहीं आ रहा है, इसकी वजह से मतलब थोड़ा सा हमको दिक्कत हो गई है। तो बस ऐसे ही बैठे हैं सब लोग, किसी का नेट नहीं आ रहे हैं, कल रात से बंद है, तो 24 घंटे के लिए कह रहे हैं कि बंद होगा, तो अभी बंद पड़ा है नेट, इसलिए सब बच्चे अपना लगे हैं काम पे, तो सब पुराने मतलब गेम इनको याद आ गया, तो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, और कह रहे थे लूडो लाते हैं, तो लूडो से इधर दुकान बंद है, तो लूडो वगैरह नहीं मिला इनको, तो कैरम बोर्ड रखा हुआ था उसके पास। और आज हमारी ये रोड भी बिल्कुल नहीं चल रही है, देखो बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम मतलब बहुत ज़्यादा कम जा रहे हैं यहाँ से गाड़ियाँ, नहीं तो यहाँ मतलब यहाँ पे हमको मतलब मैं झाड़ू लगाती थी यहाँ, तो बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लगता था आगे गेट के उधर, तो आज देखो कुछ भी नहीं है, मतलब आज गाड़ियाँ बहुत कम जा रही है, मतलब बहुत ही कम जा रही है, मतलब ये तो यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ जाती थी। तो बस मेरे तो ये मतलब जो बीमारी है ना, ये पीछा ही नहीं छोड़ रही है, सर दर्द इतना हो रहा है कि क्या बताऊँ मैं आपको, सर दर्द हो रहा है और पेट भी ठीक नहीं हो रहा है मेरा, पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो कल मैंने मतलब टेस्ट वगैरह करा रखे हैं 2-3, तो आज उसकी रिपोर्ट मिल रही थी, तो आज आने का ऐसा हो नहीं रहा है, मार्केट मना कर रखे हैं कि नहीं जाना है उधर की साइड में, तो रिपोर्ट लेके भी नहीं आ पा रही मैं आज अपनी, तो ऐसी है बस, अपना काम धाम ऐसे चल रहा है हमारा। चलो फिर ये लोग देखो कैसे खेल रहे हैं, और मैं मटर छिल रही थी, तो मैंने कहा मैं थोड़ा देखती हूँ हुआ नहीं हुआ है, अरे दो ले जाती हूँ मैं बाहर। और ये हमारा डॉनू है, और हवा देखो, हवा कितनी चल रही है आज, ला वेला सफेद वेला, बढ़ दे बढ़ा बढ़ दे, अबे पीछे घुमा दे मटर भी मार के, मटर छील के रख लेती हूं मैंने कहा। जैसे पालक निकाल दिया था मैंने, तो थोड़ा सा ठंडा हो गया, अभी थोड़ा है बल्कि, ये पीस दिया है मैंने, ये देखो sorry for me, gonna just breakfast early, you say
बस दिन का ये खाना खा रहे हैं बच्चे, साग और भात बनाया था तो सब ने खा ही लिया था। बस उसके बाद थोड़ी देर हम लोगों ने आराम करा, फिर उसके बाद शाम के चाय बनाई और गाजर का हलवा चढ़ा दिया था मैंने कि रात तक बन जाए, क्योंकि इसे बनने में काफ़ी देर लग जाती है, दूध में बना रही हूँ मैं। तो बस गाजर का हलवा बना रही हूँ और चाय पियेंगे गर्मा गर्म। तो बस लॉकडाउन है, लॉकडाउन क्या मतलब कि लॉकडाउन ही लगा लो, पूरा लॉकडाउन ही याद आ गया था हम लोगों को, क्योंकि हमारा नेट बंद हो रखा है और हम कहीं भी नहीं जा सकते थे, घर में ही बंद है लगा लो, तो नेट भी बंद था और कहीं भी नहीं जा सकते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, मतलब टाइम पास भी नहीं हो रहा था। तो बच्चों से मैंने तब एक्स्ट्रा काम करवाए, बच्चों ने कुछ अलग गेम खेले, लूडो खेला और क्रिकेट खेले।